यूपी के नीम गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान की हत्या कर दी गई है। बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में इस वक्त बदमाशों का बोलबाला छाया हुआ है। एक के बाद एक लगातार जिले में हो रही हत्याओं से जिले में दहशत का माहौल बन गया है। ताजा मामला नीम गांव थाना क्षेत्र का है, जहां नीम गांव थाना गेट के सामने महज लगभग 100 मीटर दूरी पर ही एक किसान की उसके खेत में हत्या कर दी गई। थाना गेट के सामने महज 100 मीटर की दूरी पर हुई किसान की हत्या से क्षेत्र में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पुलिस की चुस्त पुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जिले में लगातार बढ़ रहा क्राइम का ग्राफ कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। भैया, गोलीकांड में दो छात्र जो है जख्मी आए थे, क्या स्थिति थी और कहाँ कहाँ गोली लगी उन्हें जो है? नहीं, जो मरीज जो अस्पताल में आए थे वो कोई आपसी रंजिश हुई थी, उसमें गए हुए थे तो वहाँ उनको गोली लगी है और जो इंजरी है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर और पूरी चोट लिखकर उसके बाद जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया है। क्या हालत है? क्या दोनों गोली लगी है जो है? हाँ, दोनों को गोली लगी है और अभी स्थिति ठीक है, पर जैसी भी स्थिति हमें दिखाई दी उसके अनुसार ही हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको रेफर किया गया है। अभी गंभीर हालत में, गोली लगी है, गंभीर तो कहलाती है। ठीक भैया, गोलीकांड में दो छात्र जो है जख्मी आए थे, क्या स्थिति थी और कहाँ कहाँ गोली लगी उन्हें जो है? नहीं, जो मरीज जो अस्पताल में आए थे वो कोई आपसी रंजिश हुई थी, उसमें गए हुए थे तो वहाँ उनको गोली लगी है और जो इंजरी है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर और पूरी चोट लिखकर उसके बाद जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया है। क्या हालत है? क्या दोनों गोली लगी है जो है? हाँ, दोनों को गोली लगी है और अभी स्थिति ठीक है, पर जैसी भी स्थिति हमें दिखाई दी उसके अनुसार ही हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको रेफर किया गया है। अभी गंभीर हालत में, गोली लगी है, गंभीर तो कहलाती है। ठीक।